बांदीपुरा के हाजन शहर में पारंपरिक घोड़ा गाड़ी, जिसे स्थानीय रूप से तांगा कहा जाता है, अभी भी परिवहन के साधन के रूप में उपयोग की जाती है। आप भी देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर का परिवहन का सबसे पुराना साधन आमतौर पर टांगा के रूप में जाना जाने वाला है। घोड़ा गाड़ी अभी भी बांदीपुरा के हाजिन शहर में सड़कों पर चल रही है। परिवहन का सस्ता और प्रदूषण मुक्त साधन होने के कारण टांगा अभी भी श्रीनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर हाजिन में सबसे अधिक मांग वाला वाहन है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के साथ टांगे की सवारी जैसे पारंपरिक परिवहन का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। सुबह से शाम तक टांगा वाला कहे जाने वाले घोड़ा गाड़ी के मालिकों को सड़कों पर घूमते यात्रियों की तलाश करते और उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ते देखा जा सकता है। कुछ टांगे वालों का कहना है कि हम अच्छी कमाई करते थे, लेकिन पिछले एक दशक से वे यहाँ लगातार गायब हो रहे हैं। तो लेकिन ज़माने ने तरक्की की है, तरक्की की वजह से टांगे वालों को सफ़र करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। टांगे के बजाय अब ऑटो आ गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ गई है, सोमो आ गई है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हुए हैं। अब हाजिन में बहुत सारे टांगे वाले इस वक्त भी चल रहे हैं, लोग शौक से उनमें चढ़ते हैं। पिछली बार हमने यहाँ एक मंत्री ने यहाँ पे सोपोर में टांगे की रैली भी कराई है, वो रैली आप लोगों को याद भी होगा। तो कितनी अच्छी रैली हो गई थी टांगे की रैली, जब वो घोड़े एक साथ चलते थे, टांगे एक साथ चलते थे, तो बड़ी रौनक लगती थी। तो कश्मीर की ये सकाफत भी है, कश्मीरी लोगों को आज भी शौक होता है कि टांगे की सवारी करे, तो इसमें इनकी अपनी दिलचस्पी है और इनका रोज़गार भी चलता रहेगा अगर लोग इनमें सफ़र करते रहेंगे। बाकी वसलाम। अल्प आय पर उनका परिवार हम एक दिन में 400 रुपए से अधिक नहीं कमाते हैं। तकनीक के विकास के कारण इससे जुड़े लोग दूसरे व्यवसायों में जा रहे हैं। टांगे से संबंधित सामान के कारोबार से जुड़े लोग भी अन्य व्यवसायों में चल गए थे। कुछ ही लोग हैं जो इस व्यवसाय में अभी भी काम कर रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।